आज हम सरिता के खेत को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये साइड में है सरिता के खेत, ये साइड में। उस साइड में हाँ, हम लोग वहाँ से जाते थे, वहाँ से उस साइड में जाते थे। एक अंकल मिला हमको ना, अंकल मिला था। वो मुझे बोल रहा है बाय, तो आगा सल्लत नो। उसको मैंने पापा का नाम बोला तो बाद में समय पापा को जानता है, तो पापा को जानता है। फिशिंग के लिए आया था, मतलब हमारे रिलेटिव रोहिताले भी तुम्हें पहली रोहिताले नाई बिन रोहिताले नाई बाबा बिन आने तुम्हें टाइम पास कर पाजे। हम लोग ऐसे खेलने आते थे, एक दो बार ऐसे वो मेरो डालने का रहता है ना, वैसे बाउंड्री बनाने का, थोड़ा सा बनाते थे और भागते थे खेलने के लिए कीचड़ में पानी में खेलने का। तो ये बचपन की याद है। फाइनली 30,000 का माइक तेरा आ गया है। मैं आपको पूरा इक्विपमेंट दिखाने वाला हूँ, यूट्यूब के मेरा स्टार्टिंग जर्नी से लेके अभी तक का, कौन से कैमरा गियर मैंने यूज़ किया, कौन सा माइक यूज़ किया, कितना महीने में कौन सा गियर अपग्रेड किया, कितना पैसा मैंने खर्च किया यूट्यूब में, पूरा आपको एक शंकर को अच्छा एक आया पर कैमरा। अरे तेरे वही सर के आते बैठ बिजनेस था भाई। इनको ना किसको बैट दिख रहा है, किसको बच्चा दिख रहा है इनका। शंकर आज एडिटिंग का क्या हुआ थोड़ा बोल। एडिटिंग हो गया था पूरा, सब पूरा फाइनल हो के बस एक वीडियो एडिट कर रहे थे, इसने किया, मैं उसको फाइनल किया, ट्रेलर वगैरह पूरा एडिट करके रेडी किया। लास्ट में एक सॉफ्टवेयर का एरर आया, क्रैश हुआ और पूरा फाइल खत्म, फिर से उसको एडिट करना पड़ेगा। चलो अभी हम लोग निकलते हैं, पहले माइक लेके आते हैं और उसके बाद। दिमाग काम नहीं कर रहा है, दो दिन से लगे थे वो वीडियो को पीछे, आज वो वीडियो गया, फिर से करना पड़ेगा शंकर को। ये देखो छोटा सा डब्बे के लिए हम लोग इतना दूर लाए हैं, आज आज देखते हैं। इसके लिए ना हम लोग आए थे, बहुत अर्जेंट था, अभी मुझे ये रिव्यू करना था। अंदर बैठेगा या मैं जाऊँ? ये रुका है बाहर, देखो आओ। पेमेंट किया इसका? पेमेंट किया दी पैसा कितने क्या लगे? कितने 30,000 ये सो गया फाइनली। इसको ना ओपनिंग हम घर पे जाके करेंगे। ये देखो ये खा रही थी ना नीचे उड़े, नीलिमा देख तेरे गाड़ी में उड़ा है, इसको अच्छे से क्लीन करने को लगाया मैं, वो सब निकालने को बोला मुयो इतले हाँ सारको का। नीलिमाक दाखवेला, नीलिमाक तापवनी तुका मागीर गाडयेन उडयले तुझ्या नीलिमा, म्हाका सांग नाका तू मागीर। क्या 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 दम दम के शॉपिंग करते है बोलिए, देख रहे हो अभी हम लोग पूछे बागेश घर में। पूरा शॉपिंग तो नहीं दिखाऊंगा, इसका डिटेल वीडियो हम लोगों ने बनाया है, जस्ट क्या क्या शॉपिंग करते ना बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। शंकर को प्रूफ देने के लिए लाया हूँ कैसे शॉपिंग करती है, देख तू। तू मुझे उस दिन कंजूस बोला था ना, आज दिखाता हूँ वो कैसे शॉपिंग करती है, ठीक है। जैसे आपको बताया था ना, यहाँ आया तो फुल हो गया होगा, तो तीनों का हाथ पैक है। ये देखो ये शंकर के हाथ में है एक बैग, मेरे हाथ में बड़ा वाला बैग है और इसके हाथ में है ऑनियन। इनका शॉपिंग हो गया, गाड़ी लेके आता हूँ इनको, यहाँ से उठाते जल्दी, इतना भगा भगा कि उसको करना पड़ा, जल्दी करो करके। यस गाइस शॉपिंग हो गया, हम लोग अभी जा रहे हैं तोड्डा क्रीक में जा रहे हैं, रिवर साइड एरिया है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। एक बार वीडियो बनाया था, आज शंकर भी था तो सोचा चलो थोड़ा बैठते हैं शाम को, और टाइम भी अच्छा है, उधर अगर कुछ खाने को मिलता है तो खाएंगे और आराम से। साइड में मेरा घर दिखेगा जो हमारा मेन घर है मम्मी का। ये देखो इनका मम्मी का मतलब पापा का मेन घर, और ये देखो हमारा गणपति मंदिर यहाँ पे, पुष्तैनी गणपति मंदिर। शंकर बोल रहा है सरिता अगर गाड़ी चलाएगी ना वो खेत में हम लोग जाने वाले, रास्ते में नहीं रहेंगे। क्यों? यहाँ पानी है शंकर, यहाँ पानी है, पानी में सामने रखेंगे गाड़ी फिशिंग करने लोग और वॉकिंग के लिए भी आते हैं लोग। देखो पूरा फिशिंग चल रहा है, एंड में एक गाड़ा है उधर, कुछ तो खाने को मिलेगा, उधर जाके कुछ खा के आएंगे। ए व्यू मस्त दिखता ना। चलो आ जाओ बाहर, अभी चलो कुछ खा के आते हैं। क्या मस्त नज़ारा देखो, क्या सुंदर दिख रहा है। वाह सर फुल 360 व्यू देखो, कितना सुंदर दिख रहा है। ये साइड में सनसेट होने वाला है, देखो सनसेट है। वाह सामने का व्यू देखो क्या दिख रहा है ना, पीछे सनसेट हो रहा है और ये लोग चल के आ रहे हैं। चलो चलो इनका नज़ारा देखो कितना सुंदर, 360 दिखाता हूँ कितना सुंदर दिख रहा है। वाह ये देखो ये ना धान है, खेत धान का खेत है, राइस का खेत है, राइस लगाया है। देखो उकड़े तांदूल को हिंदी में उकड़े तांदूल ही बोलते हैं, ब्राउन राइस बोलते हैं, ब्राउन राइस है मेरा मोटा वाला ब्राउन राइस। हाँ वही हिंदी में पता नहीं, मोटा वाला राइस। ये देखो बगुली कैसे उड़ के जा रहा है, देखो वाह पूरा व्यू देखो, मस्त व्यू।
इधर ना शाम को काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, फिशिंग भी करते हैं यहाँ के लोकल्स, और बैठने के भी आते हैं काफ़ी सारे। एक अंकल मिला हमको ना, अंकल मिला था, वो मुझे बोल रहा है बाय तो आगा सलत नो मतलब मेरा ना पापा का घर पे यहाँ है ना, हम लोग आते जाते रहते थे, इसलिए उसको शायद फेमिलियर लगा मेरा फेस। उसको मैंने पापा का नाम बोला तो बाद में समय पापा को जानता है, तो पापा को जानता है, फिशिंग के लिए आया था। इतना बड़ा फिश मिला उसको, टिप्रो लगा वाला करो। आज हम सरिता के खेत को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये साइड में है सरिता के खेत, ये साइड में सरिता बोली, ये साइड में है, क्या साइड में रहे? उस साइड में, हम लोग वहाँ से जाते थे, ऐसे उस साइड में जाते थे। मैं हम लोग ना मम्मी के साथ ऐसे टाइम पास के लिए जाते थे, और मेरे और भी कजन है ना, मतलब हमारे क्षेत्र रोहिताले भी, तुम्हें पहली रोहिताले नाई बिन, रोहिताले नाई बाबा बिन, हाँ तुम्हें टाइम पास कर पाए। हम लोग ऐसे खेलने आते थे, मैं मेरी ना वो और एक मतलब रिलेटिव हमारे पूजा, मैं बाद में पूनम, हम लोग सब ऐसे आते थे खेलने के लिए यहाँ पे। कौन से कहाँ पे, कहाँ पे है, कौन से साइड में याद है तुझे? उधर है, मतलब हॉलीडे रहता था ना हमको, महीने का छुट्टी स्कूल का, तब आते थे मैं पूजा पूनम मेरा मामा का लड़का अखिल भी ऐसे टाइम पास के लिए, और एक था सिद्धेश करके, वो कारखाना में शिफ्ट हुआ, मतलब वो हम लोग आते थे यहाँ पे मज्जा मारने के लिए, वो काम करते थे मम्मी पापा भी, और हम लोग ऐसे एक दो बार ऐसे वो मेरो डालने का रहता है ना वैसे बाउंड्री बनाने का, थोड़ा सा बनाते थे और भागते थे खेलने के लिए कीचड़ में पानी में खेलने का। तो ये बचपन की याद है, सरिता का बचपन यही गुजरा है, तो हम लोग कभी कभी आते हैं यहाँ पे। सरिता जैसे बोला कि उनका जो गणपति का जो विसर्जन है, ये पहले वाला जो ये होता है, हाँ पहले वाला आर्क है जो प्लेस है, उस प्लेस में ये लोग विसर्जन करते हैं, और काफी सारे प्लेस है उसको, मतलब प्लेट मेन घर का भी वही होता है, और हमारा भी जो करोलिम का है ना गणपति वो भी। आणि या साइडिक केला पे मका दिसता, और साइडिक जो लोग आहे त्या साइडिक, हां या साइड का जो लोग है ना इधर लाते, या साइड का जो प्लॅटफॉर्म बनाया है ना विसर्जन का इधर लाते, और इनका पहला डॉक्टर का, हां और सेम एक जो रोड है ना, सेम एक प्लॅटफॉर्म ना या साइड में है, वो साइड के रोड में है, उधर से भी ऐसा प्लेटफॉर्म है। मुझे चाहिए था माइक ओपन करूं और उसका रिव्यू दूं करके, नहीं हो रहा है, अभी शाम हो गया। माइक का रिव्यू कल अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो माइक लिया ना, और एक मोटिवेशनल वीडियो आएगा ये महीने का माइक के रिव्यू के साथ, उस पर ना मैं आपको पूरा इक्विपमेंट दिखाने वाला हूँ। यूट्यूब के मेरा स्टार्टिंग जर्नी से लेके अभी तक का, कौन से कैमरा गियर मैंने यूज़ किया, कौन सा माइक यूज़ किया, कितना महीने में कौन सा गियर अपग्रेड किया, कितना पैसा मैंने खर्च किया, यूट्यूब में पूरा आपको एक वीडियो बना के अलग से डालूंगा, थोड़ा मोटिवेट करेगा आपको काम करने के लिए, ठीक है? तो चलो अभी हम कुछ खाते हैं, भूख लगा है। अभी ना फाइनली हमको जीपे भी मिल गया और कांदा भाजी भी मिल गया, का सॉस के साथ गरम गरम कांदा भाजी, सुपर टेस्टी विथ दिस व्यू, वाह। शंकर क्या बोल रहे, मस्त ना? आपको कैसा लग रहा है, व्यू कैसा लग रहा है बताओ मुझे। क्या नज़ारा दिख रहा है ना, सनसेट हो रहा है, देखिए क्लाउड के पीछे पूरा सन घुसा है, देखो थोड़ा सा ये क्लाउड का पेच है, देखो शंकर को अच्छा है आया पर कैमरा, इनको ना किसको बेड दिख रहा है, किसको बच्चा दिख रहा है, इनको हम लोग ऊपर वाला देख, शंकर बड़ा वाला बेड जैसा दिख रहा है ना, जिसमें सन घुसा है ना उसका, बुल बुल पहला है ये कैमरा में, ये दिख रहा है बुल टाइप दिख रहा है, देख कैमरा, हाँ कैमरा में बुल टाइप दिख रहा है, हम उसको इमेजिनेशन कर रहे हैं, सन निकल रहा है, अच्छा बड़ा दिखता है, अभी क्या दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, देखो सन निकल रहा है साइड से। हम लोग ना ऐसे बैठ के सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से ज्यादा करके हम लोग बीच साइड में करते हैं, मुझे लगा कौन आया करके, ये देखो सन आया साइड से, पूरा निकल गया है, वाह। सनसेट तक बैठेंगे और उसके बाद निकलेंगे, ओके है मेरे, क्या बोल रहा है, जाएंगे आज ना एक्चुअली हमारा एडिटिंग एडिटिंग करके दिमाग खराब हो गया है, वो मूड ऑफ हो गया था, पूरा एडिटिंग कंप्लीट हुआ वाला वीडियो क्रैश हो गया, इसके वजह से हम लोग इधर बैठे थोड़ा मूड को ठीक कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। आज शंकर को भी लेके आया था, यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद जाके रात को फिर से करना पड़ेगा, उसमें मेहनत होता है ऐसा, इससे पहले एक बार हुआ था ना, वो थोड़ा सा था, इतना ज़्यादा नहीं था, पर आज बहुत ज़्यादा, आज पूरा मैंने वीडियो फाइनल किया था
जस्ट एक्सपोर्ट करना बचा था, हो गया खत्म। Yes guys, तो फाइनली अभी ना हम लोग घर पे पहुंचे। मुझे रहने को नहीं हुआ, मैं सोच रहा था कल करूं करके, पर ओपन करके देखना ही है, टेस्ट करना है, आउटडोर टेस्ट कल करेंगे। पर अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको ओपन करता हूं, उसका सेटिंग वगैरह आज रात को बैठ के देखता हूं। ऐसे दिल ऐसे धक धक हो रहा है, पहले बार इतना महंगा माइक मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। पहले ना एक स्टोरी बताता हूं, पहले मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम में देखता था काफ़ी सारे टेक चैनल जो है ना, मैं जब रिसर्च करता था उस टाइम वीडियो सजेशन में आता था ना, कौन सा माइक ले कौन सा नहीं ले करके। तो रोड माइक 30,000 का सुना तो मैं ऐसे नहीं, मेरे से ये लेके कुछ फ़ायदा नहीं, क्या करेगा इतना महंगा माइक लेके, ज़रूरत नहीं है। पर इतना महंगा माइक भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा करके पहला ऐसा मेरा माइंड चलता था। इसलिए मैं सोचता था ओके 2,000 तक माइक तो ठीक है, क्योंकि मैं यूज ही कर रहा था कितना 30-35,000 का फ़ोन से मैं शूट कर रहा था, उसमें 30,000 का माइक कुछ काम का नहीं है, ये पहले का मेरा ऐसा सोच था। पर अभी एक दिन ऐसा भी आया है, अभी हम 30,000 का माइक यूज़ करेंगे। बिल को साइड में रखते हैं, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान देते, रुक जाओ थोड़ा। किसी ने कमेंट किया था ना कौन सा माइक आपने ऑर्डर किया है, तो मैंने जो ऑर्डर किया है ये है वायरलेस गो 2, दो रिसीवर एक कनेक्टर कुछ तो है। तो ये सारे सामान एक साथ मैंने निकाल लिया है, ये देखो एक कैरी केस है, कुछ केबल्स है, ये देखो पेंसिल 3 है, तीनों के लिए वायरलेस गो 2 माइक। फिर हम लोग घर पे पहुंच के भी फ्रांसिस ने अपना ना माइक टेस्टिंग भी कर लिया है, और अभी खाने वाला है लोग पतोड़ी। शंकर ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। सरिता बोल रहा है माइक आ गया तो मेरा पातोई भूल जाओगे क्या, पातोई लेके आया, देखो इसका पातोई लेके आया है, और माइक मैंने चार्जिंग को लगाया, चार्ज नहीं था तो चार्जिंग को लगाया, और इसको अभी टेस्ट करेंगे। उससे पहले ना सरिता का ये खा के देखते कैसा लग रहा है। ये शंकर बढ़िया है, मतलब सच में अच्छा है, नहीं तो ठीक है बोलता है शंकर का अच्छा नहीं लगता। ठंडा हो गया थोड़ा, अच्छा लग रहा है, ये गर्म गर्म खाया तो सॉफ्ट होता है ना, तुम इसको बना के गए थे ना ये सारे लाने के लिए, माइक लाने के लिए, तो ठंडा हो गया, तो इसको भी खाएंगे, माइक भी टेस्ट करते हैं। अच्छा है ना, नाम बेस्ट है, कौन सा माइक पूछ रहे हो, माइक नहीं पातोड़ी। ध्यान नहीं दे रहा होगा हमारा। तो ये था हमारा माइक, फाइनली 30,000 का माइक तेरा आ गया है। तो इसका पूरा सेटिंग्स वगैरह आज रात को हम लोग स्टडी करेंगे शंकर के साथ, और उसके बाद कल हम इसको टेस्ट करेंगे, और उस वीडियो में आपको पूरा मेरा YouTube जर्नी का स्टार्टिंग से अभी तक का कैमरा गियर्स और जो इक्विपमेंट मैं यूज करता हूँ ना पूरा दिखाऊंगा। उससे थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा, स्टार्टिंग में मैं कैसे शूट करता था, अभी मेरे पास क्या क्या कैमरा गियर्स है, ठीक है। सो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।